हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट पे यदि दूसरे इंटरनल पेजेस को ओपन कर रहे हैं तो आपका जो पेजेस है वो 404 का एरर दिखा रहा था। उस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देख ही रहे हो कि 404 नॉट फाउंड। तो मैंने अपने दोनों पेज खोल लिए, ये एक्चुअली डेमो है। तो इस एरर को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको आज बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, हमारी चैनल पे जो है व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, तो कृपया करके इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने की हेल्प करें। मुझे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम 100 लाइक तो आपको देने होंगे इस वीडियो पे। तो आज का टारगेट हमारा 100 लाइक का रहेगा। तो इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप जो है अपना जो 404 का एरर है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपने साइबर पैनल में आ जाना है। साइबर पैनल के आप जो भी आप पैनल यूज़ कर रहे हैं, सी पैनल हो, चाहे आपका वस्टा पैनल हो, कोई सा भी पैनल यूज़ कर रहे होगे, तो सभी में आपको ऑप्शन थोड़े बहुत ही सिमिलर दिखाई देंगे, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो आपको अपने किसी भी पैनल में चले जाना है और बस एक ही काम करना है, आपको अपने वर्डप्रेस की htaccess फाइल को चेक करना, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देखते रहिए, आपको सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो अभी हम जो है देखते हैं कैसे होता है। तो ठीक, आपको अपनी htaccess की फाइल को एडिट करना है, पहले उसको चेक करना है, उसके अंदर कुछ है नहीं। देखिए, हमारी htaccess फाइल जो है खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपको सिंपली क्या करना है, वर्डप्रेस htaccess डाल के सर्च कर लेना है। तो जो भी आपकी वेबसाइट होगी, आपको वर्डप्रेस से ही आपको उसको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस की बेसिक जो htaccess का है, ये आपको सिंपल इसको आपको कॉपी करना है और अपनी htaccess में ऐड करना है, और आपका जो ये जो आपका 404 का एरर है वो सॉल्व हो जाएगा साइबर पैनल के अंदर। आप किसी पैनल में कर सकते हैं, ये एरर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि जो ये हमारा एरर है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा जो डेमो पेजेस है या डेमो पेजेस 2 है, वो हमारे इंटरनल पेजेस जो है एक्चुअली सारे वर्क कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि आपका ये छोटा सा जो एरर है वो रिजोल्व हो चुका है। तो ऐसे ऐसे एरर्स के लिए, आपको एरर्स आ रहे हैं साइबर पैनल में आ रहे हैं, लिनक्स से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, साइबर पैनल कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इस ये सब चीज़ों के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।